हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस में। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेके। फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है, मैंने सुना है आपका। पता है क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं पता? तो चलिए फिर हमारे साथ जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, क्लास 11th के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है भाई, क्या क्या करके जाना ही जाना है। बिल्कुल मत छोड़ के जाना, वरना बाद में पड़ेगा पछताना। तो चलिए जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पेपर पैटर्न बता दूं पहले। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों जो 12th क्लास का पेपर पैटर्न आता है उसी के बेसिस पे 11th का पेपर बनाया जाता है। बाकी हाँ, मैंने सच में फिजिकल एजुकेशन के खास कर देखा गया है मैक्सिमम स्कूल्स में कि फिजिकल के टीचर्स पेपर पैटर्न को बहुत कम फॉलो करते हैं। कहीं तो यह है जैसे 35 मार्क का पेपर है, तो कहीं तो ऐसे हैं कि 3.5 मार्क के 10 क्वेश्चन दे दिए, कहीं पर ऐसे हैं 5 5 मार्क के 7 क्वेश्चन दे दिए। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा सच नहीं। जहाँ प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन का पेपर पैटर्न फॉलो करा जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं कि बोर्ड ने क्या बोला है। सुनते हैं नहीं सुनते वो बात अलग है, टीचर्स अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तीन हिस्सों में पेपर बटा हुआ। सेक्शन ए में दोस्तों आपके पास पूरे 9 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको कोई से 7 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। 9 क्वेश्चन आएंगे, च्वाइसिस हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए और 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सिर्फ 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन बी में दोस्तों 5 क्वेश्चन है, 5 में से कोई से 3 करने हैं, सिर्फ 3 करने हैं या सिर्फ 3, और हर क्वेश्चन पूरे 3 मार्क का है। उसके बाद दोस्तों सेक्शन सी की बात करूं तो आपके सामने आएंगे 4 क्वेश्चन, 4 में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क का है। ये हमारा फिजिकल एजुकेशन का दोस्तों पेपर पैटर्न होने वाला है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं दोस्तों, 7 प्लस 3 प्लस 3 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पेपर की वेटेज है पूरे 35 मार्क्स। बहुत है 35 मार्क्स, इतने क्वेश्चन बहुत है, आराम से आप कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे दिए जाएंगे आपको पेपर करने के लिए। अब बात करूँ कि भैया क्या क्या है। चैप्टर हमारे पास है पूरे 5 चैप्टर के नाम बता देता हूँ। फिजिकल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उसके अलावा योगा, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, और ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ये हमारे 5 चैप्टर हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। इसमें सबसे अच्छा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा पहले वाला चैप्टर ही है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। क्या क्या टॉपिक आने के चांसेस हैं इसमें दोस्तों, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि आप पैरालंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन तैयार करके जाएं। पैरालंपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 में पूछा जा सकता है, 4 में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो अच्छे से करके जाना है दोस्तों वो करके जाना है, इसमें रोल पूछ सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर का क्या रोल है उन बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पूछा जा सकता है 2 टू 3 मार्क्स में, इसको आप तैयार करके जाएंगे। योगा की बात करूं तो योगा की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। योगा की इंपॉर्टेंस एक बहुत अच्छा टॉपिक है, योगा का मीनिंग और इंपॉर्टेंस आप करके जाएंगे, 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप अच्छे से करके जाएंगे, इसमें कुछ जो क्रियाएं यहाँ पे मेंशन करी गई हैं आपके सामने बहुत सारी हैं, जैसे आपके सामने सुखासन, ताड़ासन, ये सारे आपको कुछ कुछ आसन आपको करने पड़ेंगे। इसमें आपको जो बहुत अच्छे से करके जाने हैं दोस्तों वो करना है हमारा पद्मासन, सुखासन, ताड़ासन, ये 3 आसन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनको थोड़ा सा आप करके जाएंगे। योगिक क्रियास के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें अलग अलग क्रियाएं हैं योगी की, 2 3 नंबर में एक क्रिया पूछी जा सकती है, आप तैयार करेंगे उसको। फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग में दोस्तों रोल ऑफ लीडर आने के चांसेस थोड़े से हैं, और इसमें आपको किसी भी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक में रहेगा सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरी, स्पोर्ट इंजरी को कैसे कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एड का जिक्र, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इसके, आप इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा इसके अंदर टॉपिक के अंदर, ठीक है। कोई भी एक स्पोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, खासकर पैराग्लाइडिंग के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग के ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं हर स्कूल के अंदर, ये 2 स्पोर्ट्स को फिजिकल एजुकेशन में थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आप इसको अच्छे से करके चलेंगे, ध्यान देंगे। अगला चैप्टर दोस्तों हमारी साइकोलॉजी इन स्पोर्ट है, साइकोलॉजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे से करके जाना है। ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या डिफरेंशिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, 5 नंबर में भी आ सकता है,
आ सकता है, 5 मिनट, 4 नंबर का है आपका हाईएस्ट क्वेश्चन तो 4 नंबर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद एडोलसेंट प्रॉब्लम क्या क्या है, ये एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, एडोलसेंट प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, एक एडोलसेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, टॉपिक आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में तैयारी कर लेंगे इसकी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप साइकोलॉजी का मीनिंग तैयार करके चलेंगे, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीनिंग में आ सकता है, 2 नंबर में मीनिंग पूछा जा सकता है, और कुछ नहीं आएगा, मीनिंग आप करके जाएंगे बस इसका, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डोपिंग स्पोर्ट, डोपिंग का मीनिंग, भाई डोपिंग का मीनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट, डोपिंग है क्या, क्या चक्कर है डोपिंग के अंदर, करके जाना है, भूलना बिल्कुल नहीं, डोपिंग का इंपॉर्टेंट मीनिंग है इसके अंदर, ठीक है। और डोपिंग क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों में डोपिंग को क्लासीफाई करा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। और आप इसमें करेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और डोपिंग क्लासिफिकेशन मीनिंग के साथ, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से आपको एक टॉपिक 100% मिलने वाला है, कोई नहीं रोक सकता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, लास्ट वाले चैप्टर से 2 टॉपिक आपको पहले ही करने हैं, एक तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीनिंग प्रिंसिपल के साथ और डोपिंग का मीनिंग क्लासिफिकेशन, ये 2 टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में दोस्तों आपको साइकोलॉजी का मीनिंग करना है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस करके चलना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, और एडोलसेंस की प्रॉब्लम क्या क्या है ये आप करके चलेंगे, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, अच्छा टॉपिक रहेगा। योगा में आपको मीनिंग और इंपॉर्टेंस को तैयार करना है 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए, इसके अलावा आपको कुछ योगिक क्रियास पढ़ के जानी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो जो भी आपके सामने मेंशन करिए 1-2 आप कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और आप आसन करेंगे, सुखासन, ताड़ासन, पद्मासन, इन 3 आसन को बहुत अच्छे से करके चल लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। उसके बाद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले चैप्टर में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से करके चल, पैरालंपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरालंपिक्स, बहुत बढ़िया टॉपिक है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के ऊपर भी पूछा जा सकता है, इंडिया का है तो 1% थोड़ा थोड़ा मेरा देश महान पूछा जा सकता है, इस पर भी चांसेस है, अच्छे से कर लेंगे इसको, ठीक है। और हाँ, फिजिकल एजुकेशन के टीचर का क्या रोल है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि बच्चे इस बात को कितने ज़्यादा अच्छे समझते हैं कि एक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए फिजिकल एजुकेशन का टीचर क्या रोल प्ले कर सकता है। तो दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव टू डू, ठीक है, आप ये टॉपिक अच्छे से करके चलेंगे। और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ये हमारे फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी कोशिश रहेगी आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 12th में भी आपकी मदद करने के लिए हम अवेलेबल हैं 24/7। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।